हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज का जो लेक्चर मैं कंटिन्यू करती हूँ। देखिए, लास्ट लेक्चर जो था मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड करवाया था, लेकिन आज वाला लेक्चर जो है वो एक जनरल लेक्चर है। ये स्पेसिफिकली ना तो स्टूडेंट्स के लिए और ना ही मैं ये कह सकती हूँ कि आम पब्लिक के लिए है, ये तो सभी के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। इस लेक्चर में सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, आज का लेक्चर जो है मैं आपको बता रही हूँ कि किस प्रकार से आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हो। तो लास्ट लेक्चर में मैंने एक आपको वेबसाइट का आईडी नंबर बताया था, उसको मैं अब यहाँ कॉपी कर रखा है मैंने, मैं यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। पेस्ट कर दिया मैंने, सबसे पहले लिखा हुआ रहा है https://consumerhelpline.gov.in, ये यहाँ पर आ गया है। इसके बाद अगर आप जाते हो इसमें अलग अलग फंक्शन पर, अगर आप जाते हो तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ये आपका ऊपर हेल्पलाइन नंबर है जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। आप यहाँ पर भी जो है कंप्लेंट अपनी रजिस्टर करवा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर कुछ टॉपिक दिए रखे हैं कि अबाउट दिस पोर्टल, नॉलेज पार्टनर, नॉलेज बेस, स्टैंडर्ड फॉर प्रोडक्ट्स, इंपॉर्टेंट लिंक्स, कन्वर्जन पार्टनर्स, कंज्यूमर कॉर्नर्स। तो आप यहाँ क्या चले जाओगे, कंज्यूमर कॉर्नर्स पर आप चले जाओगे। अब मैंने अभी तक अपनी कोई आईडी नहीं बनाई है, तो मैं क्या करूँगी, पहले आपको, आप भी नए होंगे तो साइन अप करोगे। जब आप साइन अप करते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सबसे आपसे पूछता है कि आपका नेम क्या है। मान लीजिए मैंने अपना यहाँ पर नेम दे दिया, ठीक है, लास्ट नेम आपने दिया नहीं दिया, देखते हैं कि ये मांगता है नहीं मांगता। नहीं मांगता तो जरूरी नहीं है कि आपको लास्ट नेम भी देना है। यहाँ पर आपने अपना जेंडर बता दिया, क्या है, फीमेल है, मेल है, जो भी है। कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आप यहाँ पर दे दिया अपना, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया यहाँ पर। और उसके बाद एक ईमेल एड्रेस पूछ रहे हैं, तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर दे दिया। अब मैंने ईमेल एड्रेस दिया यहाँ पर, अब ये मुझे कह रहा है कि आपका जो है मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो आपने पहले ही मोबाइल नंबर जो यहाँ रजिस्टर कर रखा है। तो मुझे खुद ध्यान नहीं है कि मैंने कब रजिस्टर कर दिया था, लेकिन ये मैंने रजिस्टर कर रखा है तो मैं दूसरा मोबाइल नंबर यूज़ करती हूँ। जैसे कोई भी एक मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दिया जो एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, उसके बाद मोबाइल नंबर अवेलेबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो कहता है कि इसको आप रजिस्टर करवा सकते हो। अब मैंने एक मेल आईडी भी यहाँ डाल दी, ये मेल आईडी मैंने डाल दी। फिर मैंने, ये कह रहा है कि मेल आईडी पहले से रजिस्टर है, तो चलो मैं दूसरी मेल आईडी डाल देती हूँ, एक और है मेरे पास, तो वो मेल आईडी मैं डाल रही हूँ, ठीक है। वो दूसरी मेल आईडी आप डाल दोगे, अगर आपने पहले से रजिस्टर किया है और आप भूल चुके हो तो आप क्या करोगे, उसी से लॉगिन करो, फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। फिर ये रीज़न पूछ रहा है कि कौन से एरिया के आप रहने वाले हो, ग्रामीण, मैं रूरल एरिया की हूँ, ग्रामीण क्षेत्र की हूँ, तो मैंने डाल दिया। फिर पासवर्ड कुछ भी आप डाल दो, जो भी आपको ठीक लगे, मैंने 8 नंबर का पासवर्ड डाल दिया कोई भी, तो आप भी डाल सकते हो, डाल दिया। कैप्चा कोड के बारे में पूछ रहा है, तो ये है 0537TE। अब आप करो साइन अप। साइन अप नहीं करवा रहा, ये कह रहा है कि पासवर्ड मस्ट बी 6 और मोर करेक्टर लॉन्ग विद वन नंबर, वन अपर वन लोअर लेटर, यानी किस टाइप से आपने पासवर्ड देना है। तो आप ऐसा पासवर्ड देना कि फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दो आप, जो पासवर्ड आपको ध्यान रहे, बाकी तो लोअर हो ही जाएंगे। कोई नंबर डाल दो बीच में और एक कोई भी एट द रेट करके पासवर्ड दे दो। अभी भी नहीं ले रहा ये, अब ये बता रहा है कि ईमेल आईडी भी पहले से रजिस्टर्ड है, तो अब मैं क्या करूँ, कौन सी एक ईमेल आईडी और दूँ मैं। चलो मैं सोचती हूँ कि कौन सी ईमेल आईडी देती हूँ यहाँ पर मैं। देखिए मैंने ईमेल आईडी यहाँ से हटा दिया है, अब ये देखते हैं कि क्या करते हैं, क्या ये साइन अप करेगा, ये भी साइन अप नहीं कर रहा, क्या प्रॉब्लम हो गया, देखते हैं इसके अंदर। चलो इस तरीके से आप साइन अप कर लोगे, मेरा पहले से रजिस्टर्ड है, मैं उसी को ओपन करती हूँ, मैं साइन इन करती हूँ। अब मैं साइन इन कर रही हूँ, ये मुझसे पूछ रहा है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर दे देती हूँ, ठीक है। फिर ये पासवर्ड, पासवर्ड मुझे याद नहीं है तो मैं फॉरगेट पासवर्ड कर रही हूँ। जब मैंने फॉरवर्ड पासवर्ड किया तो ये अपना मोबाइल नंबर पूछता है, तो मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दे दिया, ठीक है। कैप्चा पूछ रहा है मुझसे,
5R75OB सबमिट। अब कह रहे हैं दोबारा से करेक्ट कैप्चा, प्लीज एंटर करेक्ट कैप्चा 78781। मोबाइल नंबर दोबारा देती हूँ मैं 98961। मैंने मोबाइल नंबर दे दिया 7815EC सबमिट। अभी एक OTP आएगा, उस OTP से जो है आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। देखिए मैंने पहले बनाया होगा तो वो अकाउंट जो मैं अगर पासवर्ड भी भूल चुकी हूँ तो मैं उसका पासवर्ड जो है दोबारा से जनरेट कर सकती हूँ। तो एक 4 अक्षर का कोड आ गया है यहाँ पर, वो मैं ऐड कर रही हूँ 28। जो भी आपका कोड हो आप वहाँ पर एंटर कर दो 3239GE। अब आपने क्या किया, सबमिट किया। अब अपना पासवर्ड आप सेट कर सकते हो। अब मेरा अकाउंट यहाँ पर अगर ओपन हो जाता है तो मैं अपना पासवर्ड जो है वो सेट कर सकती हूँ। न्यू पासवर्ड जो भी मैंने देना है वो मैं यहाँ दे रही हूँ। एक कैपिटल लेटर ले लो आप और उसी हिसाब से अपना पासवर्ड आप सेट कर लो। कैप्चा 7S054Q। तो अब मैंने इसे कर दिया सबमिट। फिर ये कैप्चा का इशू आ रहा है, पता नहीं कैप्चा मुझे समझ क्यों नहीं आता। सी एक मिनट, क्या पासवर्ड देना है, कोई भी मैं पासवर्ड दे रही हूँ यहाँ पर। कैप्चा आप सही लग जा I711S9। चलो देखते हैं सही लगता है या नहीं लगता। चेंज हो गया पासवर्ड, अब पासवर्ड चेंज हो चुका है। अभी दोबारा पूछेगा पासवर्ड वगैरह डालो अपना। मैं पासवर्ड डाल देती हूँ, कैप्चा सही लग जाना भाई, प्रॉब्लम मत क्रिएट करो हम लोगों के लिए, हम तो वैसे ही प्रॉब्लम में रहते हैं बेचारे। अब मैंने इसे कर दिया साइन इन। अब ये कह रहा है कि किस प्रकार के मैटर हैं। ये कह रहा है कि लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, इनके लिए आप अपील जो है यहाँ पर कंप्लेंट नहीं कर सकते। जैसे RTI मैटर्स के लिए नहीं कर सकते, कोर्ट का कोई मैटर चल रहा है उसके लिए कंप्लेंट नहीं कर सकते। ग्रीवियंस अगेंस्ट फॉरेन गवर्नमेंट के लिए आप अप्लीकेबल नहीं हो। रिलीजियस मैटर या कोई सजेशन है तो उनके लिए आप यहाँ पर कंप्लेंट नहीं कर सकते। तो हम इससे एग्री हैं, हम ऐसी कंप्लेंट कर ही नहीं रहे हैं। फिर एक ग्रीवियंस पूछ रहा है, क्या आपने कोई आपकी प्रॉब्लम है या क्यूरी है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है, ग्रीवियंस डाल दोगे। सेलेक्ट सिटी, सिटी का नेम डाल दोगे। कैटेगरी जो भी आपकी है वो कैटेगरी डाल दोगे। मैंने मान लीजिए सिटी डाला, यहाँ पर मैं सिटी डाल रही हूँ सिरसा। एक सेकेंड, क्या है, स्टेट डालना है, पहले हमें स्टेट डालना है यहाँ पर हरियाणा, मैंने स्टेट डाल दिया। एक सेकेंड, थोड़ी सी सेटिंग में प्रॉब्लम है, अभी ठीक कर रही हूँ। अब मैंने डाल दिया यहाँ पर। एक ये माउस को भी कुछ प्रॉब्लम रहता है, सारे ही डिस्टर्ब करने के लिए तैयार रहते हैं। एक सेकेंड, ये कुछ ना कुछ हिलता ही डुलता रहता है, नहीं हो रहा। चलो लैपटॉप के माउस से काम चलाते हैं। सिटी को सिलेक्ट कर लेंगे हम, सिरसा मेरी सिटी है। एक सेकंड, कुछ प्रॉब्लम ही है, मैं एक बार ना थोड़ा सा चेकआउट कर लूँ इसको। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। सिटी यहाँ पर अगर हम डालते हैं तो मैंने डाला सिरसा, ये नीचे आ गया सिरसा, ले लिया हमने सिरसा। फिर अगले में चले गए हम, इंडस्ट्री है कोई, हमने वैसे ही दे लिया कि फूड से रिलेटेड या एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड हमने कंप्लेंट डालनी है, ठीक है। सेलेक्ट कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी, एडवर्टाइजमेंट। सेलेक्ट कंपनी, हम वैसे ही अदर का लिख दिया हमने, कंपनी का नेम हमने
कुछ भी डाल दिया कि कौन सी कंपनी, कोई भी ले लो, एसटीडी, मैं किसी भी कंपनी का नाम लिख देती हूँ, एसटीडी कंपनी नाम लिख दिया। फिर वो बता रहा है नेचर क्या है कंप्लेंट की, ये है मिसलीडिंग क्लेम है। प्रोडक्ट वैल्यू क्या है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ इन बिटवीन कितने रुपए से इतने रुपए तक है। डीलर नेम हमने, उसका कोई ईमेल एड्रेस है तो हमें नहीं पता तो हम लिख देंगे नॉन एप्लीकेबल। यहाँ आपने ग्रीवियंस की डिटेल दे देनी है, मैंने कुछ भी डिटेल दे दी, कुछ भी डिटेल दे देती हूँ कि द कंपनी हैज़ मिसगाइडिंग, कंपनी हैज़ मिसगाइडिंग, इतना ही लिख दिया क्योंकि हमने एक्चुअल में तो कंप्लेंट नहीं डालनी ना, हम तो वैसे लिख रहे हैं। चूज फाइल, अगर कोई फाइल है तो पीडीएफ ओपन हो जाएगी, ये सब कुछ फैक्ट है, फिर आप सबमिट कर दोगे। आपने सबमिट किया, ये क्या आ रहा लिखा हुआ, सबमिट किया, ये सबमिट नहीं ले रहा, ये रजिस्टर्ड हो गया है, ये डॉकेट नंबर मिल गया आपको, कोई कंप्लेंट नहीं थी, ऐसे ही फालतू में रजिस्टर्ड हो गया। चलो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आप रजिस्टर्ड कर सकते हो। अब मान लो आपने सिर्फ, क्योंकि उसके लिए कोई फीस का प्रोविजन नहीं होगा इसलिए उन्होंने फीस जो है कुछ भी नहीं बताई गई है। जैसे ही रजिस्टर्ड होगा उसके बाद आपको जो एक नंबर मिला था जो मैंने जाने दिया उसको हम नोट कर लेंगे और नेक्स्ट टाइम उसको उसी से चेक करेंगे। अब ये ग्रीवियंस की जगह हम क्यूरी डाल रहे हैं कोई कि हमें कुछ पूछताछ करनी है, तो आप उसी तरीके से पूछताछ कर सकते हो कि किस तरीके से हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ये रजिस्टर्ड ग्रीवियंस पे भी आप जाकर जो है अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। ग्रीवियंस हिस्ट्री क्या है, ये वाली है, वनिता प्राशर ने पहले भी कोई कंप्लेंट डाली थी, वो डिस्पोज ऑफ हो गया, मुझे नहीं माइंड में आ रहा कि मैंने कौन सी कंप्लेंट डाली थी। ठीक है, अब ये वाली कंप्लेंट आज हमने डाली है। ठीक है, क्लोज दिस ग्रीवियंस, हम खुद चाहते हैं कि इसका ग्रीवियंस देख लें क्या है। क्लोज, रिजोल्व हो चुका है, हमारी तरफ से हमने रिजोल्व कर दी। ठीक है, हमने अभी ये मैसेज कर दी क्योंकि गलती से कंप्लेंट डल गई है, तो मैं अब मैसेज कर रही हूँ कि जी हमारी ये जो है मैटर रिजोल्व हो चुका है, तो सेव चेंजेस, यहाँ चेंज हो जाएगा जो भी है और क्लोज हो गया, पूरा का पूरा सिस्टम क्लोज हो गया। दोबारा से ओपन करके देखते हैं कि जो हमने कंप्लेंट डाली थी क्या वो कंप्लेंट जो है सही से क्लोज हुई है या नहीं हुई है, उसको भी देख लेते हैं। कंज्यूमर क्या डाला है, पासवर्ड ओके, टू यू थ्री नाइन वी थ्री, साइन इन किया मैंने, दोबारा से देखा आई एग्री। अब मैं मेरी ग्रीवियंस की हिस्ट्री जानना चाहती हूँ कि क्या है, ये क्लोज हो चुकी है, हमने क्लोज कर दी थी, हमने कंप्लेंट फाइल की थी वो क्लोज हो चुकी है और ये डिस्पोज हो चुकी है, ये कौन सी कंप्लेंट है, देख तो लूँ कि मैंने कौन सी कंप्लेंट डाली थी। ओके, ये मैंने पहले कोई ऑनलाइन पेमेंट की थी और इससे रिलेटेड है, ठीक है, मुझे याद भी नहीं है। तो इस टाइप से कंप्लेंट के सारी डिटेल आपको पता चल जाएगी, क्या क्या आपने कंप्लेंट डाली थी वो भी पता चल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप अपनी कंप्लेंट को डाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि इस तरीके से कंप्लेंट डालने से आपका सोल्यूशन नहीं हो रहा है तो आप पर्सनली अगर आपको सेटिस्फेक्शन होता है तो ऑफलाइन मोड से भी डाल सकते हो, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट वे। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है उसका बिल आपके पास है उसकी पीडीएफ बनाइए और इस तरीके से आप कंप्लेंट को फाइल कर सकते हो। अब मैं इसको कर रही हूँ लॉग आउट। ठीक है, अगर प्रोफाइल को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल दे रखी है सारी, और अगर आप करना चाहते हो लॉग आउट तो आप इसे लॉग आउट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स और अदर फैमिली मेम्बर्स ऑफ माई यूट्यूब चैनल, इस तरीके से आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि इस तरीके का कोई और वीडियो भी प्लीज़ आप मैं बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।